हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपको भी अगर ऐसा ही एनिमेशन वाला इमेज बनाना है, ऐसा एनिमेशन वाला इफ़ेक्ट डालना है अपने फ़ोटो में, आप भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, भी इमेज नाम है इसका। मैंने डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए विदाउट वाटरमार्क है। अब देखेंगे यहाँ पर एडिट कैसे करते हैं, कैसे इफेक्ट वगैरह डालते हैं। चलिए देखते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये यहाँ पर जो राइट साइड नीचे जो दिखाई दे रहा है प्लस का जो बटन है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका ये गैलरी खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर ऊपर में जो है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, फोल्डर दिख रहा है जो आपको। यहाँ से आप आपका मनपसंद इमेज इंपोर्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। मैं इसको रहता हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड में जो इफेक्ट दिख रहा है आपको, इफेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए। नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा। इस ऐप को चलाने के लिए आपका नेट ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा इफेक्ट जो है यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद ही काम करता है। यहाँ पर जो दिख रहा है लाइट रे, मैं इसको ऐड करके देखता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऊपर राइट में क्लिक कर दीजिए। दूसरा इफेक्ट डालने के लिए फिर से प्लस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। इफेक्ट में जाइए, आप बटरफ्लाई ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। आप मूवमेंट भी कर सकते हैं इसको। थोड़ा छोटा, थोड़ा नीचे की तरफ, चलिए अब मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। बस हो गया। अब नीचे बबल की इफेक्ट डाल देता हूँ। फिर से यहाँ पर जाइए, प्लस के बटन पर, इफेक्ट पर जाइए। यहाँ पर दिख रहा होगा बबल्स, इसको थोड़ा बड़ा करना होगा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए इसको, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। बस आप म्यूजिक ऐड करेंगे यहाँ पर। फिर से प्लस बटन पर, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको राइट साइड में नीचे की तरफ साउंड लिखा हुआ है। साउंड के यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको ऑडियो फाइल में जाइए, आपका मनपसंद गाना जो भी है आप डाल दीजिए वहाँ से। ओके, अब इसका वॉल्यूम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। चलिए रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बटरफ्लाई है इसको आप कलर वगैरह थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे सैचुरेशन वगैरह, तो यहाँ पर
यहाँ पर बटरफ्लाई में फिर से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट से आपका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, इसको इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देने से ज़्यादा स्पीड से ये हिलेगा। ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर है, सेचुरेशन है, ब्राइटनेस है, आपका हिसाब से आप कर लीजिए। मेरा तो ठीक ही है। लाइट का भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट, अगर आप चाहते हैं कि ब्लर ज़्यादा करेंगे, ब्लर ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लर ज़्यादा हो जाएगा। अपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। सैचुरेशन भी है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, आपको जो अच्छा लगे। स्पीड भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से। चलिए रहने देते हैं, आप अपना हिसाब से कर लीजिए। अब इसको सेव करने के लिए ऊपर में जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप आता है फॉर्मेट, जो वीडियो है यहाँ पर क्लिक करने से आपका जो GIFP बन जाएगा। ड्यूरेशन आप चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक ही होता है ये शायद। चलिए मैं इसको 50 तक रख देता हूँ। HD रेजोल्यूशन इसको अनेबल कर दीजिए। रिमूव वाटरमार्क इसको भी अनेबल कर दीजिए। अब एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा टाइम लेगा। अब सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।